हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन आपसे डिस्कस करूंगा तो आज के इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉप सेवेंटी क्वेश्चन जो कि आपका एनएमडीसी के प्रीवियस एग्जाम में आया था पूरे ओनली मैकेनिकल मैंने जीके और करंट अफेयर्स वाले जो पोर्शन है उसको नहीं लिया है मैंने ओनली मैकेनिकल के क्वेश्चंस लिए हैं तो पूरे सेवेंटी क्वेश्चंस मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो और आप पूरा वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन इससे आने के चांसेज बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तो द कॉमनली यूज गैसेज इन टंगस्टन आर्क वेल्डिंग आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड आर्गन हाइड्रोजन एंड हीलियम या फिर हीलियम एंड आर्गन तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं टिग वेल्डिंग तो टिग वेल्डिंग में जो गैसेस यूज होती है वो कौन कौन सी होती है तो टिग वेल्डिंग में जो नॉर्मली गैसेज यूज होती है वो हीलियम एंड आर्गन होती है तो फोर आपका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू है कि लिंडे वेल्डिंग यूज न्यूट्रल फ्लेम्स एंड राइट वाट टेक्निक कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड राइट वाट टेक्निक या फिर आपका न्यूट्रल फ्लेम एंड लेफ्ट वार टेक्निक या फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड लेफ्ट वार टेक्निक तो लिंडे वेल्डिंग जो होता है वो कहाँ पर यूज होता है तो लिंडे वेल्डिंग जो है वो बेसिकली आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम में यूज होता है और साथ में आपका राइट वार्ट टेक्निक में अभी यहाँ पे कार्बोराइजिंग फ्लेम क्या होता है तो देखिए आपका पहला न्यूट्रल फ्लेम जो होता है उसमें आपका वन इज़ द रेशियो वन होता है आपका ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है वन होता है और साथ में आपका सी टू एस टू यानी कि जो सी टू एस टू गैसेज होती है उसका भी रेशियो वन होता है वहाँ पर आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम में आपका सी टू एस टू की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है वहीं आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा होती है और आपका सी टू एस टू की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है कि वेल्डिंग ऑफ ग्लास इज डन बाई अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग लेजर बीम वेल्डिंग या फिर एक्सप्लोजिव वेल्डिंग तो देखिए वेल्डिंग ऑफ ग्लास यानी कि जो ग्लासेस होती है उसका वेल्डिंग हम किससे करते हैं तो ग्लासेस की जो वेल्डिंग है वो हम लेजर बीम वेल्डिंग से करते हैं जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं शॉर्ट में हम एल बोलते हैं लेजर बीम मशीनिंग और लेजर बीम मशीनिंग से क्वेश्चन आता है यहाँ पर लेजर बीम वेल्डिंग की बात हो रही है तो थ्री आपका जो है ऑप्शन नंबर थ्री जो है करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है कि द कोल्ड चीजल्स आर यूजली मेड बाय ड्राइंग फोर्जिंग रोलिंग या फिर पियर्सिंग तो कोल्ड चीज़ल जो होता है वो किससे बनाया जाता है तो कोल्ड चीज़ल को हम बेसिकली बनाते किससे हैं तो कोल्ड चीज़ल को हम रोलिंग से बनाते हैं नॉर्मली हम इस पर फोर का यूज़ करते हैं ज़्यादातर एग्जाम में तो टू आपका करेक्ट आंसर होगा रोलिंग भी आपका एक रोलिंग से भी कभी कभी हम कोल्ड चीज़ल को बनाते हैं पर ज़्यादातर जो आपका हाई स्ट्रेंथ का रहता है उसके लिए हम फोर्जिंग का इस्तेमाल करते हैं अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पी चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव है कि द प्रोसेस एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग बोल्ड्स एंड नट इज़ हॉट पियरसिंग कोल्ड पिनिंग एक्सट्रूजन या फिर कोल्ड हेडिंग तो देखिए जो ज़्यादातर जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है बोल्ट्स एंड नट्स बनाने के लिए उस प्रोसेस का नाम है कोल्ड हेडिंग तो फोर आपका करेक्ट आंसर होगा कोल्ड हेडिंग में बेसिकली क्या करते हैं तो कोल्ड हेडिंग में हम उसको प्रेस करते हैं ठीक है यहाँ से आपका प्रेस करेंगे यहाँ से आपका प्रेस करेंगे उसके बाद में वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसका हम कम कर देते हैं तो आपका फोर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि स्ट्रक्चरल सेक्शन सच एज एंगल्स एंड आई बीम्स आर मेड हॉट 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 रोलिंग ड्राइंग या फिर एक्सट्रूजन तो देखिए स्ट्रक्चरल सेक्शन यानी कि रेल्स हो गया एंगल्स हो गया या आई बीम्स हो गया उसको हम किससे बनाते हैं तो उसको हम हॉट रोलिंग से बनाते हैं तो ए या वन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन है कि द मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग स्पिनिंग इज यानी कि ड्यूरिंग स्पिनिंग के टाइम में हमें जो डिफॉर्मेशन होगा मोड ऑफ डिफॉर्मेशन वो कौन सा होगा बेंडिंग होगा स्ट्रेचिंग होगा बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग होगा या फिर रोलिंग एंड स्ट्रेचिंग होगा तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग जो आपका डिफॉर्मेशन का जो मोड होगा वो होगा बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग तो थ्री आपका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं इन डाई कास्टिंग मशीनिंग अलाउंसेज इज ए स्मॉल लार्ज वेरी लार्ज या नॉट प्रोवाइडेड देखिए मशीनिंग अलाउंस क्या होता है तो जब कभी भी आप किसी कोई भी प्रोसेस करते हैं चाहे एक्सट्रूजन हो गया या फिर आपका शेल मोल्डिंग हो गया कोई भी प्रोसेस आप जब करते हैं तो आपको उसमें एक अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ता है मशीनिंग अलाउंस यानी कि जैसे मान लीजिए आप, आप ये एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है यहाँ से आपका एक मीटर है ठीक है और यहाँ से आपका पॉइंट मीटर है तो जब कभी भी आप एक्चुअल में जब इस इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा क्यों क्योंकि आप जब आप इस पर मशीनिंग करेंगे साइड में जब आप मशीनिंग करेंगे तो जो उसका कुछ पार पोर्शन है वो अलग हो जाएगा तो उस अलग हुए पोर्शन को हमको रेडी करने के लिए अलग से उसमें अलग से आपका वन मीटर है तो आपको यहाँ पर एक एक एम एम का अलाउंस देंगे यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर भी आप एक एम एम अलाउंस देंगे ताकि मशीनिंग करने से वो अलाउंस करने के बाद में एक्चुअल साइज़ में आ जाए पर यहाँ पे बात हो रही है डाई कास्टिंग में तो डाई कास्टिंग में जो है आपको कोई भी मशीनिंग अलाउंस देने की ज़रूरत नहीं होती आपका जो मेटल है जो मटेरियल है वो आपका एक्चुअल साइज़ में बनता है तो फोर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सैंड ड्यू टू विच द सैंड ग्रेन्स स्टिक टुगेदर दैट इज कॉल्ड कोलेप्सिबिलिटी कोहेसिवनेस परमिएबिलिटी या फिर एडहेसिवनेस तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू तो विच द स्ट्रेन ग्रेन स्टिक टुगेदर तो वो कौन सी होती है तो वो होती है आपका कोहेसिवनेस सी तो टू आपका करेक्ट आंसर होगा से, अगर आपस में सेम टाइप के ग्रेन्स जब आपका आपस में जॉइंट होते हैं तो आपका कोहेसिवनेस कहलाते हैं और अलग अलग टाइप के ग्रेन्स यानी कि एक ग्रेन्स आपका सिलिका का होगा दूसरा ग्रेन्स आपका दूसरे प्रॉपर्टी का होगा जब वो दोनों आपस में जॉइंट होते हैं तो वो आपका एडेसिवनेस कहलाता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन है ए कास्टिंग डिफिट विच ऑफ्योर्स नियर द इंगेट्स एज रफ लम्ब्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ कास्टिंग इज नोन एज शिफ्ट स्वेल सैंड वॉश या फिर स्कैब तो उसको हम क्या बोलेंगे तो देखिए ए कास्टिंग डिफेक्ट डिफिक्टच ऑक्योर्स नियर द इनगेट्स एज रफ लम्ब्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ कास्टिंग इज नोन एज उसको हम बोलेंगे सैंड वॉश तो थ्री आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर अलेवन देखते हैं कि द सिंबॉल यूज फॉर बट रजिस्टेंस वेल्डिंग इज आपका ये चार सिम्बॉल दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है कि बट रजिस्टेंस वेल्डिंग का जो सिम्बॉल है वो क्या है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है इन द ड्राइंग ऑफ द बोल्टेड ज्वाइंट द रेडियस ऑफ ऑफ अ आर्क फॉर द बोल्ट डायमीटर डी इज डी टू डी डी या पॉइंट तो तो का राइट right आंसर क्या होगा तो वो होगा आपका डी आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है अगर आपने न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कि मटेरियल इज सीट सेट टू बी डाइल इफ द एलोंगेशन इज लेस देन फाइव परसेंट फाइव टू टेन परसेंट टेन टू फाइव फिफ्टीन परसेंट या मोर देन फिफ्टीन परसेंट तो ऐसा मटेरियल जिसको हम डक्टाइल किसको बोलेंगे मटेरियल सेट टू बी डक्टाइल अगर आपको कोई मटेरियल डक्टाइल है ब्रिटिल है उसको कैसे पता करेंगे तो उसको हम पता करते हैं कि अगर उसका जो एलोंगेशन है वो मोर देन फिफ्टीन परसेंट रहेगा तो उसको हम डक्टाइल बोलेंगे और लेस देन फिफ्टीन परसेंट रहेगा तो क्या कहेंगे वो आपका ब्रिटिल मटेरियल कहलाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू बी ट्विस्टेड बेंट और स्ट्रेच अंडर हाई स्ट्रेस बिफोर रैप्चर दैट इज नोन एज उसको हम क्या बोलेंगे हार्डनेस बोलेंगे टफनेस बोलेंगे रेजिलेंस बोलेंगे या स्ट्रेंथ बोलेंगे तो देखिए रैप्चर बोलेगा हाई स्ट्रेस आपका जब कभी भी किसी मटेरियल को आप ट्विस्ट कर दीजिए बेंड कर दीजिए या फिर स्ट्रेच कर दीजिए किसी भी हाई स्ट्रेस में तो इस ये तीनों जो प्रॉपर्टी है ये होती है आपका टफनेस में तो टू आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं द शॉक रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टील इज इंक्रीज बाय एडिंग निकिल क्रोमियम निकिल एंड क्रोमियम या फिर कोबाल्ट एंड मोलीबडनम तो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का राइट right आंसर क्या होगा तो शॉक रेजिस्टेंस या मान लीजिए आपके पास कोई स्टील है अगर आपको उसमें शॉक रेजिस्टेंस आपको इंप्रूव करना है तो वो कैसे इंप्रूव होगा तो वो इंप्रूव होगा जब आप उसमें निकिल एंड क्रोमियम को ऐड कर देंगे तो थ्री आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हैं कि फॉर हार्डनिंग एलाय स्टील एंड हाई स्पीड स्टील्स दे आर हीटेड टू फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड सेवन हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड थाउजेंड वन हंड्रेड टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड या थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो फॉर हार्डनिंग एलाय स्टील अगर आपको हाई स्पीड स्टील को हीटेड करना है तो कितने पे आपको हीट करना पड़ेगा तो वो करना पड़ेगा थाउजंड वन हंड्रेड टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज फॉर कास्टिंग इज कार्बोराइजिंग नॉर्मलाइजिंग एनलिंग या फिर टेम्परिंग तो देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में आया है और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस बार का 2022 का जो अभी एग्जाम होने वाला है एनएमडीसी का उसमें भी आने के पूरे चांसेस है तो बेसिकली बोल रहा है कि हीट उस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को क्या कहेंगे जो कि आपका कास्टिंग में यूज होता है तो ड्यूरिंग कास्टिंग में हम नॉर्मलाइजिंग यूज करते हैं तो टू आपका करेक्ट आंसर होगा नॉर्मलाइजिंग में एज अ कूलिंग मीडियम क्या करते हैं तो एयर को एज अ कूलिंग मीडियम यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फोरस ब्रॉन्ज इज़ जीरो पॉइंट थ्री वन एलेवन पॉइंट वन या नाइन्टी फाइव पॉइंट थ्री तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज यानी कि फॉस्फोरस ब्रॉन्ज में आपका फॉस्फोरस कितना होता है कितना परसेंट होता है तो वो होता है जीरो पॉइंट थ्री परसेंट किसी किसी बुक में आपका जीरो पॉइंट फाइव भी दिया है तो ये हमेशा लेस देन वन परसेंट होता है तो वन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है कि द पाउडर मेटोलॉजी द रेंज ऑफ प्रेशर टू विच पाउडर मेटल्स इन डिजायर्ड प्रोपर प्रोपोर्शन और कंप्रेस्ड इन मोल्स इज टेन टू फिफ्टी बार फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड बार थ्री टेन टू सिक्स फिफ्टी बार या फिर सिक्स नाइन टू टू थाउजेंड तेरह हज़ार सात सौ पचास बार तो देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन आपका किसका है तो ये क्वेश्चन आपका पाउडर मेटलर्जी का है तो पाउडर मेटलर्जी में हम क्या करते हैं एक को एक बॉक्स लेते हैं उसमें आपका पाउडर को फिक्स कर देते हैं मिक्स करके पाउडर को उसमें डाल देते हैं और जब कभी भी आप इसमें पाउडर को डाल देंगे उसके बाद आपको चारों साइड से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा चारों साइड से आपको इसको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा तो जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा ये जो है आपका ये जो बाउंड्री है ये क्लोज आने लगेगी चारों साइड से क्लोज आएगी और जो अंदर में जो पाउडर है वो बिल्कुल एकदम डेंस हो जाएगा मतलब एकदम पास पास में हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा एकदम डेंस हो, तो हो जाएगा तो उस स्ट्रक्चर में डेंस हो जाएगा तो उस केसेस में वो कितना प्रेशर आपको यूजली आपको मेंटेन करना है तो उसमें मेंटेन करते हैं हम काफ़ी हाई प्रेशर यानी कि सिक्स नाइन्टी बार से लेके थर्टीन सेवन फिफ्टी बार तक तो और आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस टू मेक देयर रिजल्टेंट ए मिनिमम एंड अ मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली आर जीरो एंड नाइन्टी वन एटी एंड नाइन्टी नाइन्टी एंड वन एटी या वन एटी एंड जीरो तो देखिए यहां पर क्या बहुत बात हो रही है कि एंगल यानी कि आपका दो फोर्सेज के बीच में जब रिजल्टेंट एंगल निकालेंगे तो मिनिमम जो रहेगा वो किस में रहेगा तो मिनिमम रहेगा आपका वन डिग्री में और मैक्सिमम जो रहेगा वो रहेगा आपका जीरो डिग्री में तो देख लीजिए वन एटी एन जीरो कहाँ पर दिया है तो वन एटी एन जीरो ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है कि द पॉइजन रेशियो फॉर कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम जीरो पॉइंट टू थ्री टू जीरो पॉइंट टू सेवन जीरो पॉइंट टू फाइव टू जीरो पॉइंट डबल थ्री जीरो पॉइंट थ्री वन टू जीरो पॉइंट थ्री फोर या जीरो पॉइंट थ्री फोर टू जीरो पॉइंट फोर टू तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का राइट right आंसर जो होगा आपका जीरो पॉइंट टू थ्री टू जीरो पॉइंट टू सेवन होगा यानी कि यहाँ पर आपका पॉइजन रेशियो पूछ रहा है किसका कास्ट आयरन का कास्ट आयरन क्या होता है तो कास्ट आयरन आपका एक ब्रिटिल मटेरियल है तो जीरो पॉइंट टू थ्री टू जीरो पॉइंट टू सेवन पॉजन रेशियो पॉजन रेशियो की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन जीरो पॉइंट फाइव होता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑफ क्योर्स इन सिंपली सपोर्टेड बीम्स कैंटिलीवर बीम्स फिक्स्ड बीम्स या फिर ओवर हैंगिंग बीम्स तो देखिए बेसिकली बोल रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है वो कौन से बीम में पाया जाता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोफ्लेक्शन जो है वो हमेशा हमेशा ओवरहेंगिंग बीम में मिलता है तो फोर आपका करेक्ट आंसर होगा ओवर हैंगिंग बीम किसको बोलते हैं तो इसमें आपका जो सपोर्ट होता है सपोर्ट के बाहर साइड में बीम आपका हैंग कर रहा होता है इस तरफ या फिर इस तरफ उसको हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है कि ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम का इस क्वेश्चन का राइट right आंसर मैंने आपको न्यूमेरिकल वाला वीडियो एक बार देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके वहां पे मैंने इस तरह के वीडियो क्वेश्चंस को अटेंड किया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है कि द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लोड विदाउट सफरिंग परमानेंट डिस्टॉर्शन इज नोन एज इंपैक्ट एनर्जी प्रूफ रेजिलेंस प्रूफ स्ट्रेस या फिर आपका मॉड्यूल ऑफ रेजिलेंस तो इस तरह का डेफिनेशन वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत आता है यहाँ पर क्या दिया है मैक्सिमम लोड के बारे में जब कभी भी मैक्सिमम लोड में बात करेगा यहाँ पर क्या क्या है मैक्सिमम लोड है और मैक्सिमम सफरिंग परमानेंट डिस्टॉर्शन तो ये मैक्सिमम लोड लोड अपॉन एरिया की बात हो रही है ठीक है तो जब कभी भी आपका लोड अपॉन एरिया आएगा ये क्या किसका डेफिनेशन है तो ये आपका स्ट्रेस का डेफिनेशन है तो आपका प्रूफ स्ट्रेस यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है ये भी आपका न्यूमेरिकल है एक बार न्यूमेरिकल वाले में विजिट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है कि द ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक बिलोंग्स टू वन ऑफ़ द फॉलोइंग मैथमेटिकल मॉडल्स इन ऑपरेशन रिसर्च एलोकेशन मॉडल सिक्वेंसिंग मॉडल कुंचिंग मॉडल क्विंग मॉडल या फिर इन्वेंट्रिक मॉडल तो ये आपका बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन मॉडल ये आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है उसको भी आपको देखना पड़ेगा एक बार तो ये ट्रांसपोर्टेशन मेथड या टेक्निक कहाँ पे यूज़ होती है तो एलोकेशन मॉडल में यूज़ होती है तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है कि द टिल्टिंग ऑफ द फ्रंट व्हील्स अवे फ्रॉम द वर्टिकल व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कार दैट इज कॉल्ड कैम्बर कास्टर टो इन या फिर यहाँ पे आपका टो आउट ठीक है तो किसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो क्या है बोल रहा है आपका फ्रंट व्हील अवे फ्रॉम द वर्टिकल मान लीजिए आपका ये फ्रंट व्हील है ठीक है ये फ्रंट व्हील है फ्रंट व्हील जो है आपका ये आपका रोड सरफेस हो गया ये अवे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कार है यानी कि वर्टिकल साइड से दूर साइड दूर तरफ जा रहा है तो जब ये दूर की तरफ जाएगा अवे जाएगा तो कैम्बर होगा जब ये क्लोज आएगा तो ये क्या कहलाएगा कास्टर कहलाएगा तो वन आपका करेक्ट आंसर कौन हो गया क्वेश्चन है आपका ऑटोमोबाइल से है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है कि द स्टार्टर मोटर इज ड्रिवन बाई चेन ड्राइव फ्लैट बेल्ट ड्राइव गियर ड्राइव या फिर वी बेल्ट ड्राइव तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का राइट right आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर टू यानी कि फ्लैट बेल्ट ड्राइव से हमेशा आपका स्टार्टर मोटर जो है वो ड्राइव करते हैं यानी कि जो स्टार्टर मोटर है उसको अगर आपको स्टार्ट करना है तो किस से स्टार्ट करेंगे तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है कि द पार्किंग ब्रेक्स आर जनरली एक्ट ऑन फ्रंट व्हील्स रियर व्हील्स फ्रंट एंड रियर व्हील्स या फिर आपका प्रोपेलर शाफ्ट तो देखिए पार्किंग ब्रेक जो है वो नॉर्मली किसमें एक्ट होता है तो वो एक्ट होता है आपका रियर वील। रियर व्हील व्हील मतलब पीछे वाले चक्के में क्वेश्चन नंबर है कि फर्स्ट मूवमेंट सेलेक्ट मूव्स द सिंक्रोनाइजर मैच द गियर या ऑपरेट्स द क्लच तो इसका राइट right आंसर होगा आपका सेलेक्ट तो क्या बोल रहे हैं द गियर शिफ्ट लीवर रिक्वायर्स टू सेपरेट मोशन टू शिफ्ट गियर तो उसमें फर्स्ट मूवमेंट होगा तो सबसे पहले आपको सिंक्रोनाइजर को सेलेक्ट करना होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन देखते हैं कि द मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लीकेशन रेशियो इन अ टॉर्क कन्वर्टर इज अबाउट टू पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव या फिर एट पॉइंट फाइव तो सबसे ज़्यादा टॉर्क मल्टीप्लीकेशन रेशियो जो है वो टॉर्क कन्वर्टर में कितना होता है तो वो होता है आपका टू पॉइंट फाइव कितना होता है टू पॉइंट फाइव होता है आपका टॉर्क मल्टीप्लीकेशन तो वन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखते हैं कि टू स्पीड रिवर्स गियर अरेंजमेंट इज जनरली प्रोवाइडेड इन केस ऑफ पैसेंजर कार्स ट्रैक्टर्स मेटाडोर्स या फिर ट्रक्स तो दो टू स्पीड रिवर्स गियर अरेंजमेंट रिवर्स गियर यानी कि उल्टा गियर अरेंजमेंट जो है वो जनरली किस में प्रोवाइड करते हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं हम पैसेंजर कार में ठीक है पैसेंजर्स कार में भी कर सकते हैं और यहां पर किस में तो आपका मेटाडोर्स में भी कर सकते हैं ट्रैक्टर्स में आपका फ्रंट व्हील होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देखते हैं क्वेश्चन थर्टी थ्री क्या है द कंपोनेंट दैट कनेक्ट द स्टेयरिंग रैक टू द नकल्स दैट इज टायरोड पाइवोट सेक्टर गियर या फिर स्प्लाइन तो देखिए ऐसा कंपोनेंट जो कि किसको किसको कनेक्ट करता है तो ऊपर में दिया है आपका स्टेयरिंग रैक स्टेयरिंग रैक को नकल्स से किससे नकल से कनेक्ट कौन करता है तो बीच में आपका क्या रहता है बीच में रहता है आपका टायरॉयड तो वन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है कि द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ऑफ अ फ्लैट शीट टू द डिजायर्ड शेप दैट इज कॉल्ड शेयरिंग पियर्सिंग पंचिंग या फिर ब्लैंकिंग तो यहाँ से जो आपको मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आपका काफी इंपॉर्टेंट है इसमें जो प्रोसेस वाले डायग्राम है या प्रोसेस वाले क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत आता है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा आपका ब्लैंकिंग इसका राइट right आंसर क्या होगा ब्लैंकिंग ऑपरेशन ऑफ कटिंग ऑफ अ फ्लैट शीट टू द डिजायर्ड शेप यानी कि आपको कोई एक फ्लैट शीट दिया हुआ है अगर आपको इसको किसी डिजायर्ड शेप में यानी कि आपका डिजायर्ड शेप कुछ इस तरह है या कुछ इस तरह है जब आपको कट करना रहेगा डिजायर्ड शेप में तो वो क्या कहलाएगा तो वो कहलाएगा आपका ब्लैंकिंग क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है कि हेक्सा ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाय इट्स लेंथ मटेरियल विर्थ या नंबर ऑफ टीथ तो हेग्जा ब्लेड को हम नॉर्मली किससे स्पेसिफाइड करते हैं तो हम हैगजा ब्लेट को हमेशा उसके लेंथ से स्पेसिफाइड करते हैं तो वन आपका करेक्ट आंसर होगा द एक्यूरेसी ऑफ अ माइक्रोमीटर कैलिपर्स एंड डायल इंडिकेटर्स कैन बी चेकड बाई फिलर गेज स्लिप गेज रिंग गेज या फिर प्लग गेज तो यहाँ पर क्या बात हो रही है एक्यूरेसी अगर आपको माइक्रोमीटर की वर्नियर कैलिपर्स की या डायल इंडिकेटर्स की इन तीनों में से किसी की भी आपको एक्यूरेसी अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए हम स्लिप गेज का यूज़ करेंगे यहाँ पर आया आपका फिलर गेज तो फिलर गेज क्या काम करता है तो फिलर गेज जो है आपका दो मैटिंग सरफेस यानी कि दो सरफेस है या फिर दो बॉडी के बीच में से गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज का यूज़ करते हैं रिंग गेज का क्या काम है तो रिंग गेज आपका डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करने के लिए रिंग गेज का यूज़ करते हैं प्लग गेज भी आपका डायमीटर एक्यूरेसी और आपको उसका एकोमोडेशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी है कि साइन बार इज स्पेसिफाइड बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स टोटल लेंथ या फिर डायमीटर ऑफ द रोलर्स या फिर इट्स वेट तो देखिए साइन बार क्या होता है साइन बार किस तरह का इक्विपमेंट है तो साइन बार में आपका एक यहाँ पे रोलर रहता है और एक आपका यहाँ पे रोलर रहता है ठीक है ये बेसिकली आपका एंगल मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो है इसका जो साइन बार का स्पेसिफिकेशन होता है वो होता है आपका इस रोलर से लेकर के इस रोलर का सेंटर इसके बीच के सेंटर से मेजरमेंट करता है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स ये आपका साइन बार का स्पेसिफिकेशन होगा इन अ कारपेंटर शॉप रिबेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्वेक्स सर्फेसेस सर्कुलर होल्स ए रेसेस ऑन द एज ऑफ अ वर्क पीस यास इन द मिडिल ऑफ द वर्क पीस तो किसी भी कारपेंटर शॉप में रिबेटिंग रिबेटिंग क्या है तो रिबेटिंग एक प्रोसेस है वो उस प्रोसेस में क्या किया जाता है तो रिबेटिंग में रेसेस ऑन द एज ऑफ अ वर्क पीस यानी कि किसी भी वर्क पीस का जो एज होता है उसको हम रेसेस यानी कि उसको हम क्लीन करते हैं या उसको हम फाइनल शेप देते हैं उसके एज को उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं तो उस प्रोसेस को हम रिबैटिंग बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है कि कंटिन्यूस चिप्स विथ अप एज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ ब्रिटिल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल हार्ड मेटल्स या फिर सॉफ्ट मेटल्स तो बेसिकली बोल रहा है कंटिन्यूस चिप्स नॉर्मली आपका कंटिन्यूस चिप्स भी बोलेगा तो आपका डक्टाइल मटेरियल होगा और कंटिन्यूस चिप्स विथ बी यू ई यानी कि बिल्ट अप एज उसमें भी आपका कौन सा मटेरियल यूज होता है तो उसमें भी आपका डक्टाइल मटेरियल ही या डक्टाइल मेटल ही यूज़ होता है अगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूस चिप्स या फिर आपका सेगमेंटल चिप्स बोलते हैं उसको उन दोनों में से कोई आग, अगर आपका दिया रहेगा कुछ में मशीनिंग करने पे तो वो आपका ब्रिटिल मटेरियल की मशीनिंग करने पे आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी देखते हैं कि टम्बलर गियर इन लेथ आर यूज्ड टू कट गियर्स ड्रिल अ होल इन अ वर्क पीस रेड्यूस द स्पिंडल स्पीड या गिव डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू द लेथ कैरेज तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी का राइट right आंसर क्या होगा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर तो टम्बलर गियर क्या काम करता है लेथ में तो वो देता है आपका गिव डिजाइड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू द लेथ कैरिज लेथ कैरिज कैरिज जो होता है लेथ मशीन में उसको डायरेक्शन देने के लिए उसका मूवमेंट डिसाइड करने के लिए टम्बलर गियर का यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन द वर्क इज यूजली रोटेट वेल द ड्रिल इज फीड इन टू द वर्क रेडियल ड्रिलिंग मशीन सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन गैंग ड्रिलिंग मशीन या फिर डीप होल ड्रिलिंग मशीन तो देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है कि ऐसे ड्रिलिंग मशीन क्या है जिसमें क्या होता है आपका वर्क पीस रोटेट होगा ठीक है मान लीजिए आपका यह वर्क पीस है और ऊपर में आपका यह ड्रिल बिट है ठीक है तो ड्रिल बिट आपका फिक्स रहेगा ये आपका ड्रिल ड्रिले आपका वर्क पीस हो गया वर्क पीस आपका रोटेट होता रहेगा और ड्रिल बिट जो है आपका वो फिक्स रहेगा तो जब यह आपका फिक्स रहेगा और यह आपका रोटेट होगा उसके बाद में आपका ड्रिलिंग होगा तो ये होता है आपका डीप होल ड्रिलिंग मशीनिंग में किस में होता है तो ऐसा होता है डीप होल ड्रिलिंग मशीनिंग में क्वेश्चन नंबर फोर्टी देखते हैं कि इन लैपिंग ऑपरेशन द अमाउंट ऑफ थिकनेस मेटल रिमूवड इज ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव टू ज़ीरो पॉइंट जीरो वन एम एम जीरो पॉइंट जीरो वन टू जीरो पॉइंट जीरो वन एम जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू जीरो पॉइंट वन एम एम जीरो पॉइंट फाइव टू वन एम एम तो लैपिंग ऑपरेशन में क्या होता है तो लैपिंग ऑपरेशन में जो ये बेसिकली आपका सर्फेस फिनिशिंग ऑपरेशन के अंदर आता है आपका लैपिंग हो गया ब्रोचिंग हो गया उसके बाद में आपका ग्राइंडिंग हो गया ये सभी आपका सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन आता है और यहाँ में जो आपका अमाउंट ऑफ मेटल होता है वो काफ़ी कम रिमूव होता है और वो होता है आपका ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव से ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन एम एम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है कि इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑफ अ डिफरेंट पीचेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन प्रोफाइल मशीनिंग प्लान्टो मिलर या फिर प्लान्टी मिलिंग मशीन तो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड्स बोल रहा है अगर आपको डिफरेंट पीचेस में अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आप कैसे करेंगे तो वो कर सकते हैं हम प्लान्टी मिलिंग मशीन से तो क्वेश्चन नंबर फोर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है कि गियर फिनिशिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड शेपिंग हॉबिंग मिलिंग या फिर बर्निशिंग तो गियर फिनिशिंग ऑपरेशन की बात हो रही है तो गियर फिनिशिंग जो है इन चारों में आपका बर्निशिंग प्रोसेस जो है वो आपका गियर फिनिशिंग ऑपरेशन कहलाता है बाकी आपका शेपिंग हॉबिंग और आपका मिलिंग इन तीनों से हम गियर को प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या कर सकते हैं तो ये आपका गियर को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है इन चारों ही प्रोसेस इन तीनों प्रोसेस के बारे में और सबसे ज़्यादा अगर मास प्रोडक्शन में बात करें अगर आपको स्पेसिफिकली बोले कि मास प्रोडक्शन गियर का करना है तो किससे होगा तो वो आपका गियर हॉबिंग से होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी देखते हैं कि एफ एम एस इज़ अ पॉसिबल फॉर प्रोडक्ट्स हाई वॉल्यूम लो वैरायटी कंटिन्यूस फ्लो लो वॉल्यूम लो वैरायटी कंटिन्यूस फ्लो लो वॉल्यूम हाई वैरायटी एंड इंटरमीडिएट फ्लो या फिर आपका हाई वॉल्यूम हाई वैरायटी एंड इंटरमीडिएट फ्लो तो एफ ठीक है एफ का फुल फॉर्म क्या होगा आप अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं तो ये बेसिकली होता है आपका हाई वॉल्यूम लो वेरायटी और कंटिन्यूस फ्लो के लिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी देखते हैं कि सी एन सी ड्रिलिंग मशीन इज कंसिडर्ड टू बी पी टी पी कंट्रोल्ड मशीन कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल्ड मशीन सर्वो कंट्रोल्ड मशीन या फिर एडेप्टिव कंट्रोल्ड मशीन तो सी एन सी ड्रिलिंग सी एन सी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल और ये आपका ड्रिलिंग मशीन के केस में बोल रहा है तो ड्रिलिंग मशीन के केस में क्या होगा तो वो होगा आपका पी टी पी कंट्रोल्ड मशीन तो ए आपका या वन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है कि सीम वेल्डिंग इज द बेस्ट एडॉप्टेड फॉर थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव टू थ्री एम एम जी फाइव टू एट एम एम थ्री टू फाइव एम एम या एट टू टेन एम एम तो सीम वेल्डिंग एक होता है आपका स्पॉट वेल्डिंग दूसरा होता है आपका सीम वेल्डिंग सीम वेल्डिंग को और क्या बोलते हैं तो इसको कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग भी बोलते हैं और अगर यहाँ पे आपका मल्टी स्पॉट वेल्डिंग बात करें तो मल्टी स्पॉट वेल्डिंग हम बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग को किसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग को और ये होता है सीम वेल्डिंग आपका जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव एम एम से थ्री एम एम ये आपका थिकनेस का रेंज है इसका क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है कि इन सबमस्ड आर्क वेल्डिंग यानी कि एस ए डब्ल्यू एंड आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्क बार मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्क कार्बन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क या फिर टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग यानी कि एस ए वेल्डिंग में जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो होता है बार मेटल इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है कि द हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ इम्पल्स टर्बाइन मैगजिमम वेन द वेलोसिटी ऑफ अ व्हील इज वन बाई फोर्थ ऑफ द जेट वेलोसिटी वन टू ऑफ द जेट वेलोसिटी थ्री फोर्थ ऑफ द जेट वेलोसिटी या फिर डबल ऑफ द जेट वेलोसिटी तो देखिए हाइड्रोलिक इफिशियंसी बताना है आपको इम्पल्स टर्बाइन का हाइड्रोलिक इफिशियंसी जो है अगर आपका मैक्सिमम कब होगा जब आपका वन वेलोसिटी ऑफ अ व्हील जो है आपका जेट वेलोसिटी से क्या होगा आधा रहेगा वन बाई टू रहेगा तब आपका हाइड्रोलिक इफिशियंसी जो है वो आपका मैक्सिमम रहेगा यानी कि क्लोज टू हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है कि द स्पीड रेशियो इन केस ऑफ़ फ्रांसिस टर्बाइन वेरीज फ्रॉम 0.15 पॉइंट वन फाइव टू जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू 0.9 पॉइंट या फिर 1 टू 1.5 परसेंट तो स्पीड रेशियो जो रहेगा इन केस ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन तो वो क्या रहता है तो वो रहता है आपका जीरो टू जीरो पॉइंट आपका स्पीड रेशियो कहलाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव वन है कि इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द रेगुलेटिंग वॉल्व इज प्रोवाइडेड ऑन द केसिंग डिलीवरी पाइप सक्शन पाइप या फिर इम्पेलर तो किसी भी सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल पम्प में आपका जो रेगुलेटिंग वॉल्व होता है वो प्रोवाइड होता है आपका डिलीवरी पाइप में या कि डिलीवरी साइड में तो ऑप्शन नंबर टू जो है करेक्ट आंसर होगा अभी देखिए सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल पम्प में आपका डिलीवरी कैसे होता है तो मान लीजिए ये आपका पम्प है ठीक है यहाँ पर आपका नीचे सक्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपका पानी है यहाँ से सक्शन होगा इसके अंदर में इम्पेलर है जो कि आपका रोटेट होगा और यहाँ से आपका डिलीवरी साइड है यहाँ से पानी आपका ऊपर जाएगा और यहीं पे आपका बीच में हम एक वॉल्व देते हैं जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग वॉल्व क्या बोलते हैं रेगुलेटिंग वॉल्व तो टू आपका करेक्ट आंसर होगा ये डिलीवरी पाइप हो गया और ये आपका सक्शन पाइप हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू होगा कि इन अ रिसिप्रोकेटिंग पंप एयर वेजल्स आर यूज स्मूथ द फ्लो रेड्यूज सक्शन हैड इंक्रीज डिलीवरी हैड या फिर रेड्यूज एक्सेलेशन हेड तो किसी भी रिसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेजल्स जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है तो एयर वेजल जो यूज किया जाता है ताकि हम उसका एक्सेलरेशन हेड को कम कर सकें तो रेड्यूज एक्सेलरेशन हेड फोर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फिफ्टी थ्री है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक यूनिट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग इंक्रीज और डिक्रीज टॉर्क द ड्रिवन शॉफ्ट हाइड्रोलिक रैम हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर या फिर हाइड्रोलिक एक्यूमलेटर तो देखिए ऐसा हाइड्रोलिक यूनिट जो कि क्या काम करता है ट्रांसमिटिंग इंक्रीज या फिर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है टॉर्क को तो वो बेसिकली जब कभी सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली टॉर्क के बारे में बात होगी तो हम यूज़ करेंगे हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर का तो थ्री करेक्ट आंसर होगा द बेस्ट सूटेड बॉयलर फॉर मीटिंग द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ द स्टीम इज कॉर्निश बॉयलर लंकाशायर बॉयलर वेपकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर या फिर आपका लोकोमोटिव बॉयलर तो बेस्ट सूटेड बॉयलर फॉर मीटिंग द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ स्टीम वो कहलाएगा आपका लोकोमोटिव बॉयलर यहाँ पर आ रहा है फ्लक्चुएटिंग डिमांड फ्लक्चुएटिंग डिमांड मतलब यानी कि डिमांड आपका बदलते रहेगा यानी कभी आपको हंड्रेड किलो चाहिए होगा पावर कभी आपको नाइन्टी किलो चाहिए या फिर कभी आपको सीधा टेन किलो चाहिए तो ये हर तरह के डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए लोकोमोटिव बॉयलर यूज़ किया जाता है अगला क्वेश्चन है कि द इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ वायर रोप्स ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग इज इक्वल टू द स्ट्रेस ड्यू टू सम ऑफ एक्सियल लोड एंड स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग या सम ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ अ रिटार एंड स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग या सम ऑफ एक्सियल लोड एंड स्ट्रेस ड्यू टू एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन या सम ऑफ बेंडिंग एंड स्ट्रेस ड्यू टू एक्सलेशन और रिटार्डेशन तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो क्या है तो वायर रोप्स का क्वेश्चन है यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन का तो वायर रोप्स में क्या बोल रहा है कि जब वायर रोप्स में आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जब करेंगे तो उसका स्ट्रेस जो है वो किसके इक्वल होगा तो वो स्ट्रेस जो है आपका इक्वल होगा सम ऑफ सम ऑफ यानी कि प्लस ऑफ एक्सेल लोड एंड स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग तो वन करेक्ट आंसर होगा द सेंट्रिफिक टेंशन इन द बेल्ट इंक्रीज द पावर ट्रांसमिटेड डिक्रीज द प पावर ट्रांसमिटेड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिटेड ये इज इक्वल टू मैक्म टेंशन ऑन द बेल्ट तो वो बेसिकली क्या होगा सेंट्रफ्यूगल टेंशन में देखिए किसी किसी बुक में सेंट्रफ्यूगल टेंशन के बारे में दिया है बेल्ट में कि हेज़ नो इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिटेड और किसी किसी बुक में दिया है कि डिक्रीज द पावर ट्रांसमिटेड ये दोनों ही ऑप्शन अगर आप अलग अलग बुक के प्रिफर्स से लोग हैं तो दोनों ही राइट है अभी एन ने आपका इस इस क्वेश्चन का राइट right आंसर किसको कंसिडर किया है वो उसका ऑफिशियल आंसर की जो मैंने अपलोड किया उसमें जाके देख लीजिए तो मैंने जो इसमें की में देखा है उसमें राइट right आंसर जो दिया है वो दिया है डिक्रीज द पावर ट्रांसमिटेड तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन देखते हैं कि इन रोलर चैन द रोलर डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली फाइव बाई एट ऑफ द पिच सिक्स बाई एट ऑफ द पिच सेवन बाई एट ऑफ द पिच या सेम एज दैट ऑफ तो देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है कि रोलर चेन जो होता है उसमें रोलर का जो डायमीटर है रोलर का डायमीटर कितना होता है पिच का तो वो होता है आपका अप्रोक्सीमेटली फाइव बाई एट ऑफ द पिच तो वन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्प्रिंग इज यूज्ड इन मैकेनिकल रिस्ट वॉच यानी कि मैकेनिकल रिस्ट वॉच जो होती है ठीक है मैकेनिकल रिस्ट वॉच ठीक है आपका मान लीजिए रिस्ट वॉच है कुछ इस तरह रहता है ठीक है इस रिस्ट वॉच में कौन सा आपका स्प्रिंग यूज होता है स्पाइरल स्प्रिंग टॉर्शन स्प्रिंग बेवल स्प्रिंग या फिर हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग तो देखिए इसमें किस तरह कर, इ, spring का स्प्रिंग का यूज किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू टॉर्शन स्प्रिंग का यूज किया जाता है किसी किसी केस में आपका हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग भी यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन है कि वेन टू नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन कोप्लेनर शाफ्ट आर कनेक्टेड बाय गियर्स द अरेंजमेंट इज नोन एज स्पर गियरिंग बेवल गियरिंग हेलिकल गियरिंग या फिर आपका स्पाइरल गियरिंग तो किस कौन सा गियर जब नॉन पैरलर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग तो जब कभी भी आपका नॉन पैरलर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग रहेगा तो वो कहलाएगा आपका स्पाइरल गियरिंग तो फोर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है कि द कैम फॉलोवर एक्सटेंसिवली यूज इन एयरक्राफ्ट इंजन फ्लैट फेस्ट फॉलोवर नाइफ एज फॉलोवर रोलर फॉलोवर या फिर आपका स्फेरिकल फेस्ट फॉलोवर तो देखिए कैम फॉलोवर एक्सटेंसिवली यूज इन एयरक्राफ्ट इंजन तो जो आपका एयरक्राफ्ट इंजन होता है उसमें किस तरह का फॉलोवर यूज होता है तो उसमें यूज होता है आपका रोलर फॉलोवर यहाँ पे आपका रोलर लगा रहता है ठीक है उसको हम बोलते हैं रोलर फॉलोवर थ्री आपका करेक्ट आंसर होगा एक और आपका नाइफ फॉलोवर आता है जिसका नाम क्या है आपका नाइफ एज नाइफ एज मतलब ये बिल्कुल एकदम एज होता है शार्प रहता है दोनों साइड से वो आजकल कभी भी इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जाता है एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा कैम एंड फॉलोवर है जो कि यूज़ में नहीं होता तो वो होता है आपका नाइफ एच फॉलोवर क्यों क्योंकि इससे इंजन का लाइफ जो है काफ़ी कम हो जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है कि द रेशियो ऑफ सर्कम्फ्रेंशियल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंडर सब्जेक्ट टू एन इंटरनल प्रेशर इज वन बाई टू वन टू या फिर फोर तो देखिए सर्कम्फ्रेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लोंगीट्यूडनल स्ट्रेस तो ये जो है क्या कहलाएगा तो ये कहलाएगा आपका वन ठीक है ये सर्कम फ्रेशन बटे लॉन्गिट्यूडनल ये आपका टू कहलाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा डबल कहलाएगा द बेंडिंग मूवमेंट एम एंड अ टॉर्क टी अप्लाइड ऑन अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इफ़ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड देन एम इज इक्वल टू तो एम इक्वल में होगा टी बाई टू होगा टी होगा टू टी होगा या फिर आपका फोर टी होगा तो देखिए ये बेसिकली क्या होगा तो ये हमेशा कहलाता है आपका टी बाई टू ठीक है तो सिक्सटी टू का राइट right आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन डिज़ाइनिंग अ की इट इज़ एज्यूम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फोर्सेस अलॉन्ग लेंथ ऑफ अ की वेर इज लीनियरली इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट वेर इज एक्सपोनेंशियली बींग मोर एट द टॉरी इनपुट एंड इटपुट या वेर इज एक्सपोनेंशियली एक्सपोनशियली लेस एट द टॉर्क इनपुट तो जब कभी भी हम की को डिज़ाइन करते हैं ठीक है जब कभी भी हम की को डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या मानते हैं क्या एज्यूम करते हैं कि लोड जो है वो क्या होगा वेर इज़ एक्सपोनेंशली बींग मोर एट द टॉरिक इनपुट एंड वो ज़्यादा ज़्यादा आपका एंड में मूवमेंट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर है कि द स्लीव और मफ कपलिंग इज डिज़ाइंड एज अ थिन सिलेंडर थिक सिलेंडर होलो शाफ्ट या फिर सॉलिड शाफ्ट तो स्लीव और मफ कपलिंग जो है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम डिज़ाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ हॉलो शाफ्ट के लिए तो थ्री आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन सिक्सटी फाइव है कि चार्ल्स ला स्टेट दैट ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी वन डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर वेयर प्रेशर रिमेन्स कॉन्सटेंट देखिए बेसिकली आपको बोलता है कि चार्ल्स ला में क्या होता है तो चार्ल्स ला में होता है आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है पी इज इक्ल टू सी होता है बॉयल्स स्ला में टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है उसके बाद में आता है गेल उकला उसमें क्या होता है आपका वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और ये तो, तीनों ही केसेज में क्या होता है तीनों ही केसेज में होता है वन बाई टू सेवन थ्री यानी कि एक बटे दो सौ तिहत्तर तो फोर आपका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मीन रिवर्सिबल प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस या फिर इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में आपका एंट्रोपी कॉन्स्टेंट होता है और एंट्रोपी जो कॉन्स्टेंट होता है वो होता है आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक तो थ्री आपका करेक्ट आंसर होगा हाइपरबोलिक लॉ इज गवर्न बाई गेल लॉ एवो ला बॉइल्स ला या फिर चार्ल्स ला तो देखिए हाइपर लॉ में क्या कांस्टेंट होगा तो टी इज इक्वल टू सी यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और ये किसके लिए है तो ये आपका बॉयल्स ला के लिए है तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है करेक्ट आंसर होगा हाइपर लॉ जो है वो आपका बॉयल्स ला से रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट है कि थर्मोडाइनेमिक साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टू जो है आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल जूल साइकिल ऑटो साइकिल या स्टीरलिंग साइकिल तो ये कहलाता है आपका दो कांस्टेंट प्रेशर और दो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस ये होगा आपका जूल साइकिल के लिए वही बात करें अगर आपका दो ऑटो साइकिल के लिए तो आपका टू कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और टू जो है आपका क्या होगा आइसेंट्रॉपिक होगा ठीक है टू आइसेंट्रॉपिक होगा वहीं कार्नोट साइकिल आपका टू आइसेंट्रॉपिक और टू एडियाबेटिक होता है स्टीलिंग साइकिल में आपका टू कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टू आइसेंट्रॉपिक एडियाबेटिक होता है क्वेश्चन नंबर है कि अल्फा मिथाइल हैज अ सीटेन नंबर ऑफ मिथाइलिनिटी हंड्रेड या फिर वन ट्वेंटी तो अल्फा मिथाइल मिथाइलिन इसका जो है आपका सीटेन नंबर वो क्या होता है तो वो होता है आपका वन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है कि द इनलेट वैल्यू ऑफ अ फोर स्ट्रोक साइकिल इन टू कमर्शन इंजन रिमेन्स ओपन फॉर वन फिफ्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री टू थर्टी डिग्री या टू एट्टी डिग्री तो ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड में है इनलेट वॉल्व जो है वो कितना डिग्री ओपन होता है ठीक है तो इनलेट वॉल जो है वो हमेशा कितने डिग्री तो वो टू थर्टी डिग्री ओपन होता है तो थ्री करेक्ट आंसर होगा तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अगर आपको इस वीडियो का ये पूरे क्वेश्चन का आंसर की चाहिए तो उसके लिए आप हमारे पी चाहिए होगा उसके लिए आप पी ज्वाइन कर लीजिए लिंक टेलीग्राम